हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो आज ये साथी जुलाई पांच आज से हम लोगों का एक खेला हो भी शुरू हो रहा है इस बार हमें ये जंग हर हाल में जीतनी है हमें हारना नहीं है हमें थकना नहीं है हमें रुकना नहीं है हमें जैसे दशरथ मांझी ने जब तक उस पहाड़ का घमंड नहीं तोड़ दिया जब तक उसे अपने रास्ते से नहीं हटा दिया जैसे उसका हथौड़ा नहीं रुका था जब तक इस बार हम लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल जाता हमारा पेन नहीं रुकेगा इसलिए कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पांच जुलाई दिन सोमवार पांच जुलाई दिन सोमवार 2021, पेन और कॉपी लेकर अपनी तैयार हो जाइए एक एक चीज जो भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे वो एक, एक चीज आपको नोट करनी है और फिर देखना है जब ये डेढ़ घंटे की पूरी क्लास हो जाएगी तो आप में क्या चेंज आया आपने कितना सीखा और जितने साथी हैं आप सभी लोग अभी मेन्यू बेस से जुड़ना ना भूलें साढ़े सात बजे से उसके बाकी डेमो शुरू होंगे अभी और अब सभी जानते कि दस जुलाई को पहले तो मैं सोच रहा था छह घंटे की लेकिन अब पूरे के पूरे बारह घंटे की क्लास आ रही है करंट अफेयर की जिसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर एक साल का फुल करंट अफेयर कराऊंगा साल का फुल करंट तो जो लोग मेरे साथ अभी से आप तो करोगे करोगे जो पिछला छूटा है उसे भी मैं आपको एक साल का पूरा करंट करा दूंगा चले बच्चा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है देखिए साथी साल 2021 में एक संगठन होता है ब्रिक्स तो ब्रिक्स तो की अध्यक्षता भारत के पास है तो जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग होगी उन सब की अध्यक्षता कौन करेगा भारत करेगा तो संस्कृति मंत्री कौन होते हैं जैसे मान लेता हूं सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में उसके रखरखाव से संबंधित जो मंत्रालय उसे संस्कृति मंत्रालय कहते हैं तो संस्कृति मंत्री कौन है भारत के पहला सिंह पटेल ये संस्कृति मंत्री भी है और ये साथी पर्यटन मंत्री भी हैं ये संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है संस्कृति एवं ये कौन से मंत्री है साथी पर्यटन मंत्री पहलाद सिंह पटेल इन्होंने अध्यक्षता की है ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता पहला सिंह पटेल ये पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं पर्यटन और कौन है संस्कृति मंत्री हैं चलिए बच्चा इस बार की थीम क्या थी ये जो छठी बैठक हुई संस्कृति मंत्रियों की इसकी थीम क्या थी थीम मतलब किस विषय पर आयोजित हुई है थीम को हिंदी में विषय कहते हैं तो बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल सिनर्जी सांस्कृतिक सिनर्जी का संबंध और सामंजस्य कल्चरल सिनर्जी, सांस्कृतिक सिनर्जी का संबंध और सामंजस्य किस प्रकार ब्रिक्स देशों में हो इसको लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया याद रखिएगा साल 2021 में ब्रिक्स की तेरहवीं अध्यक्षता यह भारत के पास आई है और इस बार भारत तीसरी बार इस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है इससे पहले भारत 2012 में नई दिल्ली और 2016 में गोवा इन दो राज्यों में बैठक की अध्यक्षता कर चुका है भारत तीसरी बार कर रहा है भारत कितनी बार कर रहा है तीसरी बार कर रहा है इस बार की थीम क्या है तो साथ ही मैं अभी आपको बताऊंगा कि ब्रिक्स की स्थापना को पंद्रह वर्ष पूरे हो गए ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी तो 2021 में कितने साल पूरे हो गए पंद्रह साल तो थीम भी क्या है ब्रिक्स एट फिफ्टीन पंद्रह साल पर ब्रिक्स इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस अर्थात समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन या सहयोग यह क्या है इनकी थीम है यह क्या है इनकी थीम हो जाती है यह क्या हो जाती है साथी थीम अब देखिए ब्रिक की जो स्थापना है वो जून 2006 में होती है असल में जो शब्द था ये शब्द था ब्रिक बी आर आई सी दुनिया की चार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ यह दुनिया की चार उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी कैसी अर्थव्यवस्था थी साथी ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी तो इनका जो ब्रिक नाम है वो जिम ओ नील करके एक व्यक्ति थे क्या नाम था उनका जिम ओ नील और रूपा पुरुषोत्तम रूपा पुरुषोत्तम इन्होंने ये ब्रिक्स नाम दिया था क्या नाम दिया था ब्रिक नाम साल 2001 में फिर 2006 में क्या हुआ ये जगह थी न्यूयॉर्क कौन सी जगह थी न्यूयॉर्क यहां पर इन चारों देशों के ब्रिक के चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और यहीं से ब्रिक की स्थापना हो जाती है किसकी स्थापना ब्रिक बी आर आई सी की स्थापना ब्राजील रूस भारत और चीन की स्थापना जब इन देशों की स्थापना हो जाती है साल 2006 में और इनका जो प्रथम शिखर सम्मेलन होता है शिखर सम्मेलन का मतलब है साथी कि जब इनके मुखिया लोगों की बैठक हो तो इनका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो साल 2009 फर्स्ट समिट रूस के याकीटेरिनबर्ग टेरिन शहर में होता है कहां पर होता है रूस के याकीटेरिनबर्ग टेरिन शहर पहला सम्मेलन फिर 2010 में दूसरा सम्मेलन ब्राजील में है। किस होता, ब्राजील। होता है में होता है साथी ब्राजील यह होता है अप्रैल 2009 में यह हो जाता है आपका नहीं यह होता है जून 2009 में और यह जो दूसरा वाला है यह हो जाता है अप्रैल 2010 में यह जून 2009 में और यह अप्रैल 2010 में पहला सम्मेलन दूसरा सम्मेलन अब क्या हुआ साथी कि 2010 से 2010 से दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बनने की कोशिश शुरू करता है दक्षिण अफ्रीका ये अपनी कोशिश शुरू करता है और इसकी कोशिश दिसंबर तक कामयाब हो जाती है तो दिसंबर 2010 में यह सदस्य बन जाता है और सदस्य के तौर पर पहली बार यह 2011 में भाग लेता है उस समय अध्यक्षता चीन के पास थी और 2011 से यह कितने देश हो जाते है? भाई द, आ, सदस्य तो 2010 के दिसंबर में ही बन गया था लेकिन सदस्य के तौर पर पहली बार भाग कब लिया जब 2011 में चीन में आयोजन हुआ तब इसका नाम क्या हो जाता है ब्रिक्स नाम हो जाता है इसमें पांच देश आते हैं कितने देश आते साथी पांच देश साल 2014, हजार चौदह ये जगह थी फोटे ले, ले जगह क्या थी साथी ये जगह थी फोटे ले जा ब्राजील में ये जगह पर बच्चा फोर्टेलेजा ब्राज़ील। 2014 में ब्राजील में सम्मेलन होता है और 2014 ब्राज़ील में साथी ब्रिक्स बैंक की स्थापना की जाती है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते है हैं क्या कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कुछ लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं ब्रिक्स बैंक की स्थापना के ऊपर एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं संधि के ऊपर क्या किए जाते हैं साइन किए जाते हैं साल 2014 में और साल 2015 से यह संधि लागू हो जाती है तो इसे आप एनडीबी कह सकते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में साइन और 2015 से अस्तित्व में आया 2015 से कब आया अस्तित्व में आया इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई हो जाता है इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाता है शंघाई हो जाता है चीन के शंघाई में और जबकि इसके जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में वो है मार्कोस प्राडो ट्राइजो कौन है मार्कोस प्राडो ट्राइजो ये ब्राजील के रहने वाले पिछले साल इसके अध्यक्ष बने हैं कौन बने पिछले साल इसके प्रेसिडेंट जबकि इसके उपाध्यक्ष की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अनिल किशोर है जो कि एक भारतीय है ये इसके उपाध्यक्ष है अनिल किशोर क्या है इसके उपाध्यक्ष भारतीय है तो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की संधि के ऊपर ट्रीटी के ऊपर साइन हुए और 2015 से स्थित में आया हेडक्वार्टर संघाई प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं मार्कोस प्राडो ट्रायजो और उपाध्यक्ष अनिल किशोर उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं अनिल किशोर कितने देश शामिल हैं तो इसमें पांच देश शामिल हैं वर्तमान में कितने देश शामिल है पांच देश लिस्ट बनाइए बी से आ जाता है ब्राजील पहले लिखिए राजधानी फिर लिखिए मुद्रा आर से आ जाता है रूस सी तीसरा जाता है भारत चौथा जाता है चीन और पांचवा देश आ जाता है दक्षिण अफ्रीका पांचवा देश क्या जाता है साथी दक्षिण अफ्रीका पहली बैठक याकिटेरिनबर्ग नामकरण 2001 में हुआ 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक एक औपचारिक रूप से ब्रिक की शुरुआत हुई 2009 में पहला शिखर सम्मेलन 2010 में दक्षिण अफ्रीका सदस्य बना ब्राजील की राजधानी हो जाती है साथ ब्रासिलिया क्या हो जाते बबू मेरे ब्रासिलिया जबकि इसकी मुद्रा हो जाती है रियाल ये राजधानी है मुद्रा रूस की हो जाती है मॉस्को मॉस्कावा नदी के किनारे जबकि मुद्रा क्या हो जाती है रूबल भारत की हो जाती है नई दिल्ली जबकि मुद्रा क्या हो जाती है इंडियन रूपी चीन की क्या हो जाती है रेन मिनबी ऐसे ही याद करते चलना राजधानी और देश जो आते हैं अलग से याद करने की जरूरत नहीं है जबकि इनकी इनकी राजधानी तो हो जाती है बीजिंग राजधानी क्या हो जाती है साथी बीजिंग जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है रेन इनकी मुद्रा हो जाती है पहले राजधानी लिख रहा हूं फिर मुद्रा दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानी है दक्षिण अफ्रीका इकलौता ऐसा देश है जिसकी तीन राजधानी है सबसे पहले आ जाती है प्रीटोरिया सबसे पहले क्या जाती है प्रीटोरिया दूसरे नंबर पर आ जाती है केप टाउन सेकेंड राजधानी क्या जाती है केप टाउन और तीसरी राजधानी आ जाती है बिलोम फाउंटेन क्या जाती है साथी बिलोम फाउंटेन तो ये पांच देश दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानी प्रिटोरिया केप टाउन इसको आप पीसीबी से याद कर सकते हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रिटोरिया केपटाउन बिलोम फाउंटेन ब्राजील की ब्रासिलिया रूस की मॉस्को भारत की नई दिल्ली और चीन की राजधानी क्या हो जाती है बीजिंग सब लोग उतार रहे हो ना चीन की राजधानी क्या हो जाती है साथी मेरे बीजिंग हो जाती है बच्चा बहुत बढ़िया बहुत शाबाश अगला आ जाता है सेकंड क्वेश्चन OECD के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ओईसीडी ध्यान दीजिएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इस ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसका गठन 1961 में हुआ और इसके 38 सदस्य देश हैं इसका गठन कब हुआ? हुआ इसका गठन हुआ 1961 में और इसके सदस्य देश कितने हड़ते से और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और ओईसीडी के बारे में दूसरा ऑप्शन भी सही है इसका मतलब क्या हुआ ए और बी दोनों सही है भाई इसका मतलब क्या कहोगे बच्चा आप इसका मतलब आप कहोगे भैया ये दोनों ही सही हैं क्या है साथी दोनों ही सही हैं अब ये चर्चा में क्यों है हाल ही में क्या हुआ है बच्चा कि भारत जो है वो ओ सी डी और जी ट्वेंटी एक और समूह हो जाता है इनके समावेशी ढांचे कर सौदे में शामिल हुआ है ओ सी डी जी ट्वेंटी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है असल में क्या है बच्चा असल में क्या होता है कुछ समय पहले आपको याद होगा कि दुनिया के जो जी सेवन अधिकतर देश जो हैं ये एक कंपनी कर पे लागू हुए कंपनी टैक्स जिसे बोलते जो कंपनी होती है ना बड़ी बड़ी ये कॉरपोरेट टैक्स देते हैं क्या देते कॉरपोरेट टैक्स देते तो कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए राजी हुए थे कितने परसेंट पंद्रह परसेंट पूरी दुनिया में एक सीधा साधा टैक्स रेट हो पंद्रह परसेंट अब मान ली तो फेसबुक एक कंपनी है फेसबुक भारत में कारोबार कर रही है फेसबुक गूगल पे एड आते लेकिन जो पैसा कमा रही है उसे कहा ले जाती है अमेरिका अगर फेसबुक भारत में कार, काम कर रही है तो इनका कहना था कि फेसबुक पंद्रह परसेंट के हिसाब से भारत में ही टैक्स दे क्या दे टैक्स दे क्योंकि ये भारत में काम कर रही है जिस देश में काम कर रही है टैक्स उसी देश में जाना चाहिए इसको लेकर इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया फ्रेमवर्क का मतलब है कि ढांचा तो उस ढांचे में भारत भी शामिल हो गया है इससे क्या होगा कि भारत ने 2016 में फेसबुक गूगल ट्विटर ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है इन पर कुछ टैक्स लगाया था 6% का वो छह परसेंट का इक्वेलाइजेशन लेवाई करके इसको बोलते हैं टैक्स होता है इसको वापस करना होगा क्या करना होगा इसको वापस करना होगा ये टू पिलर डील है कितनी पिलर डील है दो पिलर लगभग 130 सौ कंट्री या जूरिश इससे जुड़ चुके हैं बस आप इतना समझ लीजिए कि भारत जो है जो डिजिटल होती है जो दूर देश में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से अपना कारोबार कर रही होती हैं तो अगर ये जिस देश में पैसा कमा रही हैं उसी देश में इनको पंद्रह परसेंट के करीब कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा अक्टूबर तक इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी तो भारत ओ जी ट्वेंटी के समावेशी ढांचे कर सौदे में शामिल हुआ है चलिए बच्चा इतना ध्यान दीजिएगा समझे मेरी बात समझे मेरी बात अब इसमें ओईसीडी के बारे में आ जाता है किसके बारे में आ जाता है ओईसीडी के बारे में तो ओईसीडी नाम की जो संस्था है इसकी फॉर्म लिख लीजिए आर्थिक आर्थिक एवं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन विकास संगठन असल में ये जो बना था ये 1948 में बना था ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं वाला टॉपिक है ना यूपी ट्रिपल एस सी पेट एस एस सी जी डी यूपी के बाकी एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वहीं से सीधा करा रहा हूं 1948 में इसका नाम हुआ करता था ओ डबल ई सी तब ये यूरोपियन यूनियन पे फोकस करता था फिर 1961 से इसका नाम बदल के क्या हो गया ओ ई सी डी हो गया ओ सी डी ने ही साथी उन्नीस में एफ ए टी एफ का गठन किया था एफ ए टी एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ब्लैक सूची और काली सूची में देशों को ब्लैक सूची और ग्रे सूची में देशों को डालती है एफ के उनतालीस देश है भारत भी इसका एक सदस्य है भारत भी सदस्य है परंतु जो है साथी इसके 38 देश है नहीं है ओ का भारत सदस्य है, नहीं है इस बात को याद रखिएगा और हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है इसका ओई का हेडक्वार्टर पेरिस हो जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस तो उन्नीस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपोरेशन यूरोप के ऊपर निर्भर था फिर इसका नाम बदलकर उन्नीस सौ इकसठ में ओईसीडी 38 अड़तीस देश भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है लेकिन उन्नीस में इन्होंने एक नई संस्था का गठन किया एफ ए टी एफ उनतालीस देश भारत भी इसका एक सदस्य देश है भारत भी इसका एक सदस्य देश है यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ये चीजें नोट करते चलना एक एक चीज ये सब तुम्हें पेपर में मिलेगी ये सब तुम्हें एफडीआई आदि जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट और टैक्स से संबंधित जो देशों के बीच में टैक्स लगता है उससे संबंधित इसके नियम आदि बनाने का काम होता है बहुत ही बढ़िया नियम आदि बनाता है आगे आ जाता है प्रश्न संख्या तीन क्या जाता है साथी प्रश्न संख्या तीन हाल ही में बगराम एयरबेस चर्चा में है एयरबेस का अर्थ होता है जहां पर जो सेना होती है वायु सेना होती है वायु सेना के बेस को साथी एयरबेस कहते हैं तो बगराम एयरबेस ये चर्चा में है ये किस देश में स्थित है बगराम एयरबेस ये साथी चर्चा में है आपको यह बताना है कि जो बगराम एयरबेस है वो असल में कौन से बिल्कुल सही बगराम एयरबेस जो है वो कौन से देश में स्थित है बताइए साथी बगराम एयरबेस जो है ये कौन से देश में स्थित है बिल्कुल सही बगराम एयरबेस ये कौन से देश में स्थित है बहुत बेहतरीन साथी शाबाश बहुत बेहतरीन बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है बगराम एयरबेस हमारे पड़ोसी देश जिससे सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर के करीब यह अफगानिस्तान पे है। किस स्पेस साथी अफगानिस्तान में स्थित है बगराम एयरबेस ये चर्चा में क्यों है कि अमेरिका यहां से जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया था तालिबान को पकड़ने के लिए तो उस समय बगराम एयरबेस साल 2001 से लेकर इसका अमेरिका की नौ वायुसेना का हवाई अड्डा था लेकिन अब सभी जानते 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ अमेरिका और तालिबान के बीच में कतर की राजधानी दोहा में एक समझौता हुआ कतर की राजधानी दोहा में एक समझौता हुआ उस समझौते के तहत अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया है कि अमेरिका ने बगराम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान फोर्सेस को दे दिया है किसको दे दिया साथी अफगानिस्तान के फोर्सेस को दे दिया है और साल 2001 से यह जो अमेरिका का एक मिशन चला आ रहा था वो मिशन अब जाके पूरा हो गया ध्यान दीजिएगा अफगानिस्तान की जब भी हम बात करते हैं अफगानिस्तान की जब भी हम बात करते हैं तो राजधानी आ जाती है काबुल राजधानी क्या आ जाती है काबुल इनकी मुद्रा हो जाती है अफगानी अफगानी और जबकि राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं अशरफ गनी हो जाते हैं राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं अशरफ गनी हो जाते हैं राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं साथी इनके अशरफ गनी अब देखो पड़ोसी देश वाला कॉन्सेप्ट सुना था ना पड़ोसी देश के बारे में खूब सारा आता है पेपर में तो अभी हम लोग क्या करेंगे अच्छे से पड़ोसी देश को क्लियर कर लेते हैं देखिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है एक एक चीज को नोट कीजिएगा बच्चा अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है हमसे व्यापारिक संबंध भी है गेहूं आदि हम पहुंचाते हैं और वहां से ड्राई फ्रूट आदि का भारत में व्यापार होता है भारत की लगभग भारत की लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगती है कितने किलोमीटर की सीमा 106 किलोमीटर की सीमा और यह कौन से की लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सीमा लगती है कौन से की लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सीमा ये अफगानिस्तान से लगती है भारत की लगभग 106 किलोमीटर के करीब की सीमा कितने की 106। सौ मेरी बात जब तीसरा थर्ड एंग्लो आंग्ल मतलब अंग्रेज और अफगान युद्ध हुआ था तो थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी 19 अगस्त 1919 को 19 अगस्त 1919 को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी अंग्ल तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध के बाद में एंग्लो अफगानिस्तान युद्ध के बाद में 19 अगस्त 1919 19 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता मान ली थी कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है जुलाई 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 उन्नीस को यह एक गणराज्य बन जाता है गणराज्य का अर्थ है साथी कि हेड ऑफ स्टेट जो है मतलब देश का प्रमुख वो एक चुना हुआ व्यक्ति हो तो जिस देश का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होता है वो रिपब्लिक होता है क्या होता है रिपब्लिक होता है और साथ ही छब्बीस जनवरी कब से छब्बीस जनवरी दो हजार चार से 26 जनवरी दो हजार चार से इस चीज को याद कीजिएगा यहां नया संविधान लागू है छब्बीस जनवरी दो हजार चार से यहां पर नया संविधान लागू है इस चीज को नोट कीजिएगा कि थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध के बाद में 19 अगस्त उन्नीस को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली यह मान लिया कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है जुलाई उन्नीस गणराज्य रिपब्लिक और 26 जनवरी 2004 से अफगानिस्तान में एक नया संविधान लागू है अफगानिस्तान में साथी एक नया संविधान लागू है साथी यहां की जो संसद होती है नोट कर लेना यहां की संसद द्विसदनीय है जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है यहां पर भी पहली को बोलते हैं साथी हाउस ऑफ एल्डर्स जैसे हमारी राज्यसभा होती है तो यहां को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से कहा जाता है जिसको इनकी भाषा में मै शिरानो जिरगा कहते हैं क्या कहते हैं मैं शिरानो जिरगा ये इनका उच्च सदन होता है हमारे राज्यसभा जैसा 102 सीट होती हैं क्या होती है एक सौ दो सीट इनका दूसरा सदन जो है उसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्या कहते हैं हाउस ऑफ पीपल या इनकी भाषा में वोलेसी जिरगा कहते हैं क्या कहते हैं वोलेसी जिरगा कह देते हैं। इसमें साथ ढाई सौ सीट होती है तो आप यह कहोगे कि कुल मिला के संसद में तीन सौ बावन सीट है संसद में कितनी सीट है तीन सौ बावन इसमें पैंतीस वर्ष की चाहिए इसमें पच्चीस वर्ष की आयु चाहिए समझे मेरी बात ये यहां की क्या हो जाती है संसद हो जाती है सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी ये 1150 किलोमीटर के करीब की है हेलमंड नदी हो जाती है क्या हो जाती है हेलमंड नदी हो जाती है सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है इसकी हेलमंड नदी जबकि सबसे ऊंचा पर्वत जो है सबसे है? ऊंचा पर्वत यही पूछा जाता है बच्चा सब कुछ उसको बोलते हैं नौशक नौशक करके चार हजार सात सौ बानवे मीटर यह सबसे ऊंचा पर्वत है चार हजार सात सौ बानवे ऊंचा पर्वत संसद के कितने सदन है दो सदन एक में एक सौ दो सीट एक में ढाई सौ सीट सबसे लंबी नदी हेलमेंड नदी सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाता है नौशेक पर्वत हो जाता है चार हजार सात सौ बानवे मीटर चार हजार सात सौ बानवे मीटर अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल की बात तो यह हो जाता है बुजकशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है साथी? बुजकशी हो जाता है आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकशी हो जाता है अब यहां पर एक मीनार ए जाम पाई जाती है क्या पाई जाती है मीनार ए जाम साथ ग्यारह ईस्वी में उसे बनाया था इसी पर है इसी पर आधारित जो भारत में कुतुब मीनार बनाई गई है इसी पर आधारित है भारत के कुतुब मीनार असल में कुतुब मीनार जो बनाई गई वो इसी को देखकर बनाई गई मीनार ए जंग ये पाकिस्तान में है पैंसठ मीटर ऊंची इसी को देखकर कुतुबुद्दीन एबक ने कुतुब मीनार बनाई थी क्या बनाई थी भारत में कुतुब मीनार याद रखिएगा भारत ने वहां पर एक सलमा बांध बनवाया है क्या बनवाया सलमा बांध इसका निर्माण भारत ने किया है भारत ने अफगानिस्तान में एक सलमा बांध बनाया है निर्माण किया है इसका हैरात नदी के ऊपर किस नदी के हैरात या हरी नदी के ऊपर हैरात नदी और भारत एक नया बांध और बनवा रहा है जिसे शहतूत बांध कहते हैं क्या कहते हैं साथी शहतूत बांध ये काबुल के पास है यह काबुल को पानी सप्लाई करेगा पीने का तो मीनार ए जंग इसी पर आधारित को तो मीनार राष्ट्रीय खेल बुजकशी सलमा बांध भारत ने निर्माण किया है हैरात नदी के ऊपर है और शहतूत बांध देखिए तुम लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा पचता नहीं है पर तुम अपने बड़ा भाई मानकर बिल्कुल जैसे मेरे छोटे सोनू मोनू है तुम बिल्कुल वैसा मान के बता हूं बाबू मम्मी कसम ये प्रॉपर एग्जैक्ट कंटेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एस एस सी जी डी एन या कोई क्वेश्चन हो कहीं भी करंट का या जीके का या जीके इसी को 360 क्लास कहते हैं अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े इसी डेढ़ घंटे को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डेढ़ घंटा बस तुम्हें कंटेंट बनाना होगा तुम्हें नोट करना होगा मेरे छह घंटे तुम्हारे डेढ़ घंटे में आते हैं छह घंटे देता हूं इसके ऊपर कम से कम तो तुम लोग बैठिए आराम से नोट्स बनाइए मैं बार बार बोल के चलता हूं तुम लोग जरूर जीतोगे कब संविधान लागू हुआ कब रिपब्लिक बना कितनी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा यह सब पेपर में आता है सारा का सारा सलमाबांग और शैतूत भारत अभी बना रहा है बात यहां पर एक को निकल के आई है तालिबान तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है उन्नीस में मुल्ला उमर ने इसकी स्थापना की थी किसने की थी मुल्ला उमर इसका संस्थापक अभी वर्तमान में अखरू जादा अखून जादा इसका संस्थापक है अखून जादा क्या है संस्थापक जबकि अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया था किस पर हमला किया था अफगानिस्तान पर उस समय साथी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सात अक्टूबर 2000 हजार यहां पर इन्होंने अपने दो ऑपरेशन चलाए हैं ऑपरेशन एंड फ्रीड एक तो दूसरा हो जाता है ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल फ्रीडम सेंटिनल और पहला ऑपरेशन हो जाता है एंड्यूरिंग फ्रीडम ये दो ऑपरेशन है जो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में चलाई पहला ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और दूसरा हो जाता है साथी फ्रीडम सेंटिनल ये दो ऑपरेशन है 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार हमला अफगानिस्तान पर उन्नीस सौ में, में तालिबान की स्थापना मुल्ला उमर और अभी अखून ज्यादा करके इसका हेड है अखून ज्यादा क्या है इसका हेड है शहतूत बांध ये भी भारत की मदद से सलमा बांध हम लोग इसको इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं दोस्ती का बांध मीनार ए जाम यह क्वेश्चन आ चुका है में कि कुतुब मीनार कौन सी मीनार पर आधारित है तो मीनार ए जाम पर और राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है बुजकशी हो जाता है अमेरिका ने दो ऑपरेशन ई एन डी यू आर आई एनजी फ्रीडम और फ्रीडम सेंटिनल फ्रीडम सेंटिनल राष्ट्रपति अशरफ गनी इस तरह आपका अफगानिस्तान क्लियर हो गया अलग से पढ़ने की जोड़ती नहीं पड़ी इससे ज्यादा अलग से नहीं पढ़ा सकते चलिए अगला प्रश्न आ जाता है हाल ही में साथी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के ग्यारहवें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके तहत की जाती है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति यह कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है साथी बताइए सब लोग आपके कमेंट्स देख रहा हूं कौन से अनुच्छेद के तहत यह नियुक्ति की जाती है कौन से अनुच्छेद के तहत यह नियुक्ति की जाती है साथी कौन से अनुच्छेद के तहत यह नियुक्ति की जाती है बताइए सभी लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शबाश सती, शबाश अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं अनुच्छेद 164 के तहत किसके तहत अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्री जो होते हैं या मुख्यमंत्री जो होते हैं ये व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत तौर पर और जबकि सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति सामूहिक तौर पर किसके प्रति होते हैं विधानसभा के प्रति होते हैं किसके प्रति हो जाते हैं साथी वैसे तो विधानसभा के प्रति होते लेकिन याद रखिएगा व्यक्तिगत तौर पर ये किसके प्रति हो जाते हैं व्यक्तिगत तौर पर ये राज्यपाल के प्रति हो जाते हैं पुष्कर सिंह धामी अभी क्या हुआ अभी क्या हुआ इसमें अनुच्छेद एक में एक चौथा पॉइंट और आ जाता है वो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री अगर राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अधिकतम छह महीने ही मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है छह महीने के भीतर उसको विधानमंडल की सदस्यता लेनी होती है अब हम लोग देखते यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखिए बच्चा हमारे संविधान का जो भाग छ है नोट कीजिए हमारे संविधान का भाग ये राज्य से संबंधित संबंधित है किससे राज्य स्टेट या जिनको प्रांत कह सकते हैं क्या कह सकते हैं प्रांत कह सकते हैं संविधान का भाग प्रांतों में एक आ जाता है अनुच्छेद एक सौ तरेपन क्या जाता है साथी अनुच्छेद एक सौ तो तरेपन अनुच्छेद एक सौ तेरेपन क्या कहता है बताइए साथी अनुच्छेद एक सौ तेरेपन राज्यपाल का पद अनुच्छेद एक सौ त्रेपन ये राज्यपाल का पद निर्धारित करता है अनुच्छेद एक सौ त्रेपन क्या करता है राज्यपाल का पद अनुच्छेद एक सौ चौवन राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है राज्य की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की शक्ति कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी कि शक्ति राज्यपाल में निहित राज्यपाल में निहित हो जाती है साथी उसके आगे चलेंगे अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नोट कर लीजिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते राष्ट्रपति करते भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते राष्ट्रपति वैसे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक वो मन तब तक कर सकते अन्यथा इसका जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो पांच वर्ष होता है कितना काल होता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है पांच साल का होता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना हो जाता है साथी राज्यपाल का कार्यकाल एक अनुच्छेद से पांच साल अनुच्छेद एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट लाइज इन आ, गवर्नर और राज्यपाल का पद पोस्ट ऑफ गवर्नर इसमें एक अनुच्छेद एक आ जाता है साथी योग्यता राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 35 वर्ष अनुच्छेद 161 जो दंड को क्षमा करने की शक्ति होती है दंड को क्षमा निलंबित आदि करने की शक्ति लंबित करने की शक्ति आदि जो होती है यह किससे मिली होती है 161 से अब चौथ है एक राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्री परिषद राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्री परिषद जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होंगे जिसके मुखिया क्या होंगे मुख्यमंत्री अनुच्छेद एक अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में समस्त जानकारी दे रखी है कि अधिकतम अधिकतम मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो याद रखिएगा साथी विधानसभा का पंद्रह प्रतिशत विधानसभा का पंद्रह प्रतिशत मुख्यमंत्री को लगाकर लेकिन कुछ कम बारह से कम नहीं होनी चाहिए कुछ राज्यों को छूट दी गई है न्यूनतम बारह कुछ राज्यों को छूट न्यूनतम बारह लेकिन कुछ राज्यों को छूट दी गई है कि वहां पर मंत्रियों की संख्या बारह से कम भी हो सकती है वहां पर मंत्रियों की संख्या लेकिन अधिकतम यह पंद्रह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अधिकतम साथी यह पंद्रह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए समझ रही मेरी बात पंद्रह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अनुच्छेद एक का पॉइंट नंबर चार अगर कोई भी मंत्री या सीएम है छह महीने के भीतर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी छह महीने के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी अन्यथा उसका निर्वाचन रद्द माना जाएगा उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा समझ रहे हैं मेरी बात साथी बिल्कुल सही छह महीने के अंदर विधानमंडल की सदस्यता छह महीने के अंदर विधानमंडल की सदस्यता तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे एक बार और देख लीजिए एक राज्यपाल का पद एक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का राज्यपाल में नहीं होना तो एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक कार्यकाल पांच साल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक योग्यता पैंतीस वर्ष एक दंड को क्षमा करने की शक्ति एक में इसकी शपथ हो जाती है एक मंत्री परिषद मुखिया सीएम अधिकतम मंत्री परिषद विधानसभा का पंद्रह प्रतिशत एक बात जरूर याद रखिएगा बच्चा मेरे इक्यानवेवा संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर ये आपको पंद्रह परसेंट करूर लाया गया था छह महीने के अंदर विधानमंडल की सदस्यता न्यूनतम तम्बारे और कुछ राज्यों को न्यूनतम सीट में न्यूनतम मंत्री परिषद के लोगों की संख्या में छूट दी गई है क्या दी गई है साथी छूट दी गई है चलिए अब हम और चीजें करते हैं उत्तराखंड के बारे में तो अभी जो यहां के दसवें मुख्यमंत्री थे वो थे तीरथ सिंह रावत इन्होंने पता था कि चुनाव हो नहीं पाएंगे बीजेपी ने इनको फंसा दिया क्योंकि इनके उल्टे कारनामे थे तो इनको क्या करना पड़ा बच्चा इस्तीफा देना पड़ा 9 नवंबर साल 2000 में उत्तराखंड की स्थापना होती है उत्तराखंड की स्थापना कब होती है नौ नवंबर दो राजधानी देहरादून और गैरसैन गैरसैन इनकी नई राजधानी है गर्मियों में देहरादून सर्दियों की राजधानी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य विधानसभा की सत्तर सीट लोकसभा की पांच और राज्यसभा की तीन सीट विधानसभा की सत्तर सीट लोकसभा की पांच और राज्यसभा की तीन सीट ये सौ परसेंट यहां से क्वेश्चन आएगा क्योंकि उत्तराखंड बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है साथी हाईकोर्ट हो जाता है नैनीताल उत्तराखंड का हाईकोर्ट क्या हो जाता है नैनीताल हो जाता है उत्तराखंड का हाईकोर्ट क्या हो जाता है साथी आप कहोगे भैया उत्तराखंड का हाईकोर्ट हो जाता है नैनीताल यहां पर जो भाषा है वो दो भाषाएं साथी एक हिंदी और संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने वाला यह पहला राज्य था ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने वाला अब उत्तराखंड के चिन्ह लिख लीजिए तेज तेज उत्तराखंड के क्या लिख लीजिए साथी चिन्ह लिख लीजिए वो भी बहुत ज्यादा तेज तेज सबसे पहले आ जाता है आपका पशु क्या हो जाता है तो उत्तराखंड का पशु हो जाता है एलपाइन डियर एल्पाइन डियर जिसे आप एल्पाइन हिरन भी कह सकते हैं पक्षी हो जाता है हिमालय में पाई जाने वाली मोनाल पक्षी क्या हो जाता है मोनाल फूल हो जाता है साथ ब्रह्म कमल यहां का फूल क्या हो जाता है ब्रह्म कमल ये अपने उत्तराखंड का फूल हो जाता है जबकि वृक्ष की बात करेंगे तो बुरंस नाम का यह क्या हो जाता है साथी वृक्ष हो जाता है अल्पाइंडियर पशु मोनाल पक्षी फूल ब्रह्मकमल और वृक्ष क्या हो जाता है ब्रांस हो जाता है नेशनल पार्क लिख लीजिए नेशनल पार्क लिख लीजिए गोविंद नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क लिखिए सारे के सारे नेशनल पार्क नोट कीजिए इसके क्या कीजिए नेशनल पार्क बिल्कुल सही साथी। सबसे पहला आ जाता है कार्बेट नेशनल पार्क कार्बेट जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था गोविंद नेशनल पार्क मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नेशनल पार्क ऊपर लिख दिए राजाजी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क फूलों की घाटी जिसको कहते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क फूलों की घाटी नेशनल पार्क कारबेट, गोविंद राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी और छठा हो जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क छठा क्या हो जाता है साथी गंगोत्री कारबेट गोविंद राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क और क्या हो जाता है साथी गंगोत्री नेशनल पार्क लिख लीजिए लोक नृत्य उत्तराखंड के लोक नृत्य फोक डांस उत्तराखंड के क्या हो जाते हैं फोक डांस तो एक आ जाता है लांगवीर नृत्य क्या जाता है लांगवीर एक आ जाता है बरदा नाटी एक क्या जाता है बरदा नाटी एक आ जाता है साथी छोलिया नृत्य क्या जाता है छोलिया नृत्य एक आ जाता है छपेली नृत्य एक आ जाता है नृत्य एक आ जाता है थाली डांस एक क्या हो जाता है थाली नृत्य लिख लीजिए लांगवीर बरदानाटी छोलिया छपेली छोटिया थाली ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं साथी ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके आप लोग तेजी से लिखिएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही सातवां रमोला रमोला और झोरा ये लिख लीजिए आठवां झोरा झोरा बस आठ नृत्य लंगवीर बर्दानटी छोलिया छपेली शोटिया थाली रमोला झोरा शोटिया थाली रमोला और झोला नृत्य शोटिया थाली रमोला और झोला नृत्य लांगवीर बरदानाटी छपेली छोलिया, थाली रमोला और झोला नृत्य याद रखिएगा भारत का प्रथम अभी पिछले साल से यहां पर कई सारे भारत के प्रथम जैसे लाइकन पार्क लाइकन पार्क भारत का पहला पोलिनेटर पार्क भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भारत का पहला पोलिनेटर पार्क पॉलिनेटर पार्क और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है यह भी साथी उत्तराखंड में खोला जा रहा है कहां पर खोला जा रहा है बच्चा उत्तराखंड उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक मंदिर है साथी, जिसको कतरमल सूर्य मंदिर कहते हैं ये क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट में ले लो जिसे कतरमल सूर्य मंदिर कहते हैं क्या कहते हैं कतरमल सूर्य मंदिर कहते हैं उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क पोलिनेटर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र और कतरमल सूर्य मंदिर यह भी उत्तराखंड में पड़ता है कतरमल सूर्य मंदिर पूरी क्लास लिए बिना मत जाना देखो आ गया जाता है साथ ही अगला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के बाद में महाराष्ट्र पांचवां राज्य बना है जो अंडर टू गठबंधन में शामिल हुआ है कौन से गठबंधन में अंडर टू गठबंधन अंडर टू कोएलिशन का अर्थ है अंडर टू गठबंधन और ऐसा होने वाला ये एक वा राज्य बनाए पूरी दुनिया में कौन सा साथी महाराष्ट्र लिखिए क्या बताया मैंने कि महाराष्ट्र भारत का पांचवां राज्य है और दुनिया के कुछ चुनिंदा राज्यों में शामिल हुआ है जो अंडर दो गठबंधन में आए हैं इसके अलावा चार कौन कौन से थे छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर तेलंगाना वेस्ट बंगाल पांचवा कौन सा बना है पांचवा बना है महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरे नंबर पर होता है उत्तर प्रदेश के बाद में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है महाराष्ट्र की होती है तो महाराष्ट्र यह पांचवा राज्य बना जो कि अंडर टू कोयलिसन या अंडर दो गठबंधन में शामिल हुआ अब क्वेश्चन आता है साथी कि ये अंडर दो गठबंधन असल में है क्या अंडर दो गठबंधन असल में बच्चा मेरे है क्या तो सुनिए मेरी बात अंडर दो गठबंधन है क्या ये साथी साल 2015 की बात है जगह है कैलिफोर्निया क्या है साथी जगह है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में कहां पर है कैलिफोर्निया अमेरिका में कुछ देश इकट्ठा हुए और उन्होंने एक गठबंधन किया जिसका नाम रखा अंडर टू गठबंधन अंडर टू गठबंधन इस अंडर टू गठबंधन के दो उद्देश्य थे पहला था साल 2050 तक कब तक साल 2050 तक साल 2050 तक लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड या हरित ग्रह गैस होती है हरित ग्रह गैस आदि के उत्सर्जन को आदि के उत्सर्जन को उन्नीस के लेवल पर लाना 1995 के लेवल पर लाना कि जो फोसन फ्यूल आदि होते हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है कौन सी गैस निकलती है तो उन्नीस तो 1990 के लेवल तक लाना किस लेवल तक लाना 1990 और कितना 2050 तक 80 से 90 प्रतिशत हरित गृह गैसों को 1990 के लेवल पर लाना इसका दूसरा उद्देश्य क्या था इसका दूसरा उद्देश्य था कि पर कैपिटा 2050 तक पर कैपिटा अर्थात तो प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति दो मीट्रिक टन अर्थात 2000 हजार के जी दो मीट्रिक टन जिसे 2000 हजार के जी भी कह सकते हो 2000 हजार के जी कार्बन डाई ऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना प्रति व्यक्ति दुनिया में जितने व्यक्ति है उसमें 2000 के गुणा कर लो दुनिया में जितने बच्चे हैं साथी 2000 के गुणा कर लो तो आप अपने आप देखोगे कि कितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कम होंगी तो असल में उद्देश्य क्या था साथी कि यह अंदाजा था कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का गैसेस को कम नहीं करते उनके उत्सर्जन को कम नहीं करते तो दो डिग्री सेल्सियस धरती का तापमान बढ़ जाएगा और अगर धरती का तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो बहुत ही ज्यादा तबाही आनी है तो दो डिग्री सेल्सियस धरती के तापमान को दो डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकने के लिए सेल्सियस बढ़ने से रोकने के लिए बढ़ने से रोकने के लिए यह साथी एक गठबंधन किया गया जिसका नाम था अंडर टू गठबंधन 2050 तक ग्रह को अस्सी नब्बे परसेंट उन्नीस सौ नब्बे के लेवल पर लाना साल 2050 तक और साल 2050 तक प्रति व्यक्ति 2000 किलो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को एमिशन को कम करना कम करना 2015 कैलिफोर्निया में इसका ये हुआ इन सब का एक उद्देश्य था कि धरती के तापमान को किसी भी प्रकार दो डिग्री सेल्सियस कम होने से हो अधिक होने से रोका जाए अब बात आती है सर ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ग्रीन हाउस गैस आप पीए कह सकते हैं साथी ग्रीन हाउस गैस क्या होती है तो मैं आपको बताऊं साथी हमारे वायुमंडल में कुछ गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन परफ्लोरोकार्बन और जो हमारी हो जाती है मीथेन जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं साथी मीथेन यह गैस क्या होती है साथी समझिएगा भाई यह वायुमंडल है वायुमंडल में गैस पाई जाती है वायुमंडल में गैस पाई जाती है यह सूर्य है सूर्य से गर्मी आती है यहां लेता हूं धरती है जिस पर क्या है पेड़ पौधे यहां पर एक गाड़ी खड़ी है अब जब सूरज की रोशनी आएगी किरण आएगी यह गर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा धरती गर्म हो जाएगी धरती गर्म हो जाएगी धरती गर्म होने पर रात में अपनी ऊर्जा छोड़ेगी ऊर्जा छोड़ेगी या हीट छोड़ेगी जो धरती या धरती पर जो वस्तुएं होती हैं जो हीट छोड़ती हैं साथी जो हीट छोड़ती हैं ये इंफ्रा रेड में छोड़ती हैं किसमें छोड़ती हैं इंफ्रारेड किरणों के रूप में इंफ्रा रेड किरणों के रूप में या अवरक्त किरणों के रूप में इंफ्रा रेड किरणों के रूप में गर्म तो ये अल्ट्रा या सिंपल रोशनी से हो जाती है लेकिन जब ये अपनी हीट रिलीज करती हैं तो ये कौन से किरणों के रूप में करती हैं आप कहोगे भैया अवरक्त किरणें जो रिमोट वाली होती हैं या इंफ्रा रेड किरणे अब जैसी ये ये वायुमंडल के बाहर चली जानी थी लेकिन ये वायुमंडल में रुक जाती हैं ये जो गैस है ये गैस इस गर्मी को सोख लेती है पहले क्या होता था कि धरती में जीवन भी इसी के कारण हुआ नहीं तो क्या होता कि जिन ग्रह पर वायुमंडल नहीं है दिन में बहुत गर्म रात को बहुत ठंडे अब धरती जो है दिन में ना उतनी गर्म ना और रात को उतनी ठंडी तो जीवन के लिए अनुकूल है लेकिन इन गैस की एक निश्चित मात्रा उचित मात्रा अब मनुष्य के कारण क्या हुआ कि यह गैस की मात्रा बढ़ने लगी और धरती ये जो वायुमंडल है इन किरणों को ज्यादा सोखने लगी इन गैस के कारण जिससे धरती का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा और इसको हमने क्या नाम दिया इसको हमने ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया क्या नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग यह धरती के वैश्विक तापमान में वृद्धि धरती के वैश्विक तापमान में वृद्धि अब इससे साथी जो हमारे यहां पर मौसम का बदलाव है पूरा बदल जाएगा फसल आदि सारी चीजों पर असर पड़ेगा इससे रोकने के लिए हमारे पूरी दुनिया के कई देशों ने अपने प्रयास शुरू किए इसी प्रयास में साथी एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन होती है क्या होती है प्रोटोकॉल उन्नीस प्रोटोकॉल सत्तानवे में यह साइन हुई और 2005 में फिर यह लागू हुई पहली बार 2005 से 2020 अब इसका सेकंड चरण है ये छह गैस जो हैं जो मैंने लिखी है इन छह गैसों की मात्रा को कम करना इस क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य है तो कोई पूछे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो क्या कहोगे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से संबंधित है किससे संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है इसमें कितनी गैस आती है इसमें छह गैस आती है इसमें कितनी गैस आती है इसमें छह गैस आती है समझ रहे मेरी बात साथी यह बात आपकी समझ में आ रही है चलिए बहुत अच्छे आ रही है कहते इसको ऑक्साइड हंसने वाली जो होती है एस एफ सिक्स एच एफ सी पी एफ सी आदि अगले पर आ जाते हैं अभी आपको याद होना चाहिए कि सीओपी यह भी पर्यावरण से जुड़ी हुई सीओपी यह भी पर्यावरण से जुड़ी एक बैठक है इसका उद्देश्य भी जलवायु परिवर्तन को रोकना है क्लाइमेट चेंज को इसकी छब्बीसवीं बैठक कहां पर आयोजित होगी ग्लासगो यह स्कॉटलैंड जो यूनाइटेड किंगडम नाम का देश है उसके स्कॉटलैंड में आयोजित होगी सीओपी छब्बीस साल 2021 में तब साल 2021 में डेविड एटनबोरो को इसका एक अंबेसडर बनाया गया है और यूके और इटली ये इसको आयोजित कर रहे हैं यूके और इटली यह पर्यावरण परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से आधारित है सच्चे चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई और दूसरी राजधानी हो जाती है इसकी नागपुर दूसरी राजधानी क्या हो जाती है नागपुर हो जाती है पहली राजधानी मुंबई और दूसरी राजधानी क्या हो जाती है नागपुर जिले छत्तीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल भी हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर अजीत पवार यहां पर द्विसदनीय विधान विधायिक आए अर्थात कानून बनाने के दो सदन है एक अठहत्तर सीट की विधान परिषद दो सीट की विधानसभा अड़तालीस लोकसभा की सीट उन्नीस राज्यसभा की सीट 48 लोकसभा की और 19 क्या हो जाते हैं साथी ये राज्यसभा की सीट हो जाती है ये किसकी सीट हो जाती है साथी मेरे तो आप कहोगे भैया ये राज्यसभा की सीट हो जाती है किसकी सीट हो जाती है राज्यसभा की सीट हो जाती है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क लिख लीजिए महाराष्ट्र के नेशनल पार्क शॉर्ट में तेज लिखना चंदौली नेशनल पार्क थोड़ा तेते लिखना बच्चा ये इधर लिख लेते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क महाराष्ट्र के नेशनल पार्क चंदौली नेशनल पार्क चंदौली नेशनल पार्क गुगा मल नेशनल पार्क गुगा मल नेशनल पार्क संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क चौथा हो चाहता है साथ ही आपका चंदोली नेशनल पार्क गुगामल, संजय गांधी तड़ोबा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पांचवा हो जाता है पेंच। पांचवा क्या हो जाता है पेंच? चंदोली गुगामल, संजय गांधी तड़ोबा पेंच और नवे ये क्या हो जाता है आपका नवेगांव हो जाता है यहां पर कुछ फेमस गुफाएं मिलती हैं। यहां पर क्या मिलती है गुफाएं जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं अजंता एलोरा तीसरी हो जाती है एलिफेंटा की गुफाएं एलिफेंटा की गुफाएं चौथी हो जाती है कन्हेरी की गुफाएं ये मुंबई में पड़ती है जो ये संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क है इसी के अंदर कन्हेरी की हमेशा क्वेश्चन आता है एक हो जाती है कारला की गुफाएं ये साथी पुणे में पड़ती हैं कहां पे पड़ती है पुणे में अजंता एलोरा एलिफेंटा कन्हेरी और कारला की गुफाएं अजंता एलोरा एलिफेंटा कन्हेरी और कारला की गुफाएं कन्हेरी और कारला की गुफाएं बहुत बढ़िया यहां का साथ ही एक अजारा चावल पाया जाता है जीआई टैग यहां का मिला हुआ है अजारा चावल और एक यहां का अंबे मोहर चावल ये दो प्रकार के चावल हैं महाराष्ट्र के जिनको जीआई टैग मिला है ये महाराष्ट्र के दो प्रकार के चावल जिनको जीआई टैग मिला है सबसे ज्यादा बांध सबसे अधिक बांध सबसे ज्यादा बंदरगाह और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा बांध सबसे ज्यादा बंदरगाह और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट चलिए बच्चा अगला प्रश्न आ जाता है हाल ही में भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर यह कॉमर्स मंत्रालय के सहयोग से यह बनाया गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर महाराष्ट्र के पुणे में कहां पर महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र याद रखिएगा पुणे जो है यह मूथा नदी के किनारे है पुणे कौन सी नदी के मूथा या मूला नदी के किनारे है मूथा या मूला भारत में जो कृषि के सामान को विदेशों में भेजने का काम करती है यह संस्था है कौन सी संस्था एपीडा पीड़ा किसको किसके सहयोग से नाबार्ड के सहयोग से जो खुद उन्नीस में बना कब बना साथी उन्नीस और राजूल गोविंदा राजूलु चिंताला गोविंदा राजलू चिंताला चेयरमैन हो जाते हैं उन्नीस जाते 1982 में नाबार्ड गोविंदा राजुलू चिंताला इस, अध्यक्ष हो जाते हैं एपीडा ये भारत से विदेश में कृषि सामान और कृषि से जुड़े सामान की आ, निर्यात करता है एक्सपोर्ट करता है जबकि पुणे कौन सी नदी के किनारे है मूथा नदी या मूला नदी के किनारे है पूरी क्लास साढ़े सात बजे तक देखना और साढ़े सात बजे से इतिहास शुरू करेंगे पिटर के लिए अब सभी लोग भी जरूर देखना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के गठन राज्य क्या होता है राष्ट्र क्या होता है राष्ट्रवाद क्या होता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय भारत के राष्ट्रवाद के तीन चरण और उनमें कांग्रेस की स्थापना आज तक ऐसा इतिहास नहीं पड़ा होगा मजा आ जाएगा चलिए बच्चा सारे कांग्रेस के वो खींच डालेंगे बाकी आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं रैंक फिफ्टीन लगा देना साथी क्या लगा देना रैंक फिफ्टीन कोड और ये अभिमन्यु बैच जरूर ज्वाइन करना ये जबरदस्त और बारह घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूं दस जुलाई सुबह छह बजे तैयार रहना चलिए बच्चा आगे आ जाते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सा रिजर्व बाल्मीकि टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा बाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है अपने राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है यह अपने राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का तो आप सिर्फ यह लिखा करो बाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सीधे आगे बिहार लिख दिया करो और उससे जुड़ी जो अलग से जानकारी लिखवाता हूं उसे लिखा करो तो याद रखिएगा यह बाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह कहां पर स्थित है ये बिहार में स्थित है बाल्मीकि टाइगर रिजर्व असल में यहां पर 150 गिद्ध देखे गए भारत में ही गिद्धों की संख्या में बहुत तेजी से बहुत तेजी से कमी दर्ज की गई थी क्यों एक डिक्लोफिनेक इंजेक्शन होता है जो पशुओं को लगा देते उनको दुधारू बनाने के लिए जब वो पशु मर जाते हैं उनका मांस ये लोग खाते गिद्ध तो गिद्ध के अंदर भी डिक्लोफिनेक चला जाता है जिससे गिद्ध मर जाता है तो गिद्धों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी देखी गई थी तो इनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई कि गिद्धों का संरक्षण करना चाहिए गिद्धों को पालना चाहिए इसी को लेकर साल 2020-25 पांच साल के लिए भारत के जलवायु परिवर्तन वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने एक एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन लॉन्च किया गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना पांच साल के लिए इसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये उन्नीस के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके द्वारा यह नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसको अनुमोदित किया पांच साल के लिए गिद्धों के संरक्षण करने की योजना है गिद्धों के संरक्षण करने की क्या है साथी योजना है गिद्धों के संरक्षण करने की योजना पांच साल के लिए इसमें पांच राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोले जाने हैं गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोले जाने हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में त्रिपुरा में महाराष्ट्र में कर्नाटक में और तमिलनाडु में यूटीएम काटा यूटीएम काटा उत्तर प्रदेश त्रिपुरा महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु पांच राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोले जाने हैं इसके अलावा बिहार के कुछ ये प्रोटेक्टेड एरिया है राजगीर कैमूर कंवर झील इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था किसका दर्जा रामसर साइट का दर्जा विक्रम गंगा डॉल्फिन गौतम बुद्ध अभ्यारण्य नागर नक्ती पक्षी अभ्यारण्य जहां पर साथ ही नाम का बिहार का प्रथम पक्षी उत्सव मनाया गया बिहार का प्रथम पक्षी उत्सव मनाया गया गा नकती है नागा नकती पक्षी अभ्यारण्य बिहार का पहला यहां पर पक्षी उत्सव मनाया गया साथ ही अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को दे रहा हूं अभी भारत में पिछले साल कुछ जनगणना हुई जिसमें तेंदुए की जनगणना में 2014 के मुकाबले 2018 में देखोगे तो तेंदुआ कुल तेंदुआ भारत में कितने पाए गए बारह हजार आठ सौ बावन पिछले 2014 से कितने परसेंट की वृद्धि 60 परसेंट की वृद्धि सबसे ज्यादा तेंदुआ कहां पर पाई गई एमपी में तीन बाघ 2014 में 2226, जबकि 2018 में उन्तीस सौ सड़सठ बांध कितने परसेंट की वृद्धि 33 परसेंट की सबसे ज्यादा बांध कहां पर पाए गए एमपी इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है जबकि शेर की जब जनगणना हुई तो 2015 में 523 शेयर, 2020 शेर में छह सौ चौहत्तर परसेंट की वृद्धि सबसे ज्यादा एकमात्र गुजरात में भारत में शेर एकमात्र गुजरात में पाए जाते नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट में इसके अलावा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क इसमें अफ्रीकी चीते को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अफ्रीकन चीता लाया जा रहा है मध्य प्रदेश का कुरू नेशनल पार्क तो तेंदुआ और बाघ सबसे ज्यादा एमपी में तेंदुआ 60 परसेंट बाघ 33 परसेंट शेर मात्र 29 परसेंट शेर तुम भी शेर हो देखो तुम्हारी संख्या घट रही है शेरों की संख्या बढ़ रही है तुम्हारी घट रही है चलिए यह कुछ भारत की अन्य लाइफ परियोजना है चैलेंज देके कह रहा हूं एक क्वेश्चन आए तो बता देना प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए भारत में बावन टाइगर रिजर्व है बावनवा रामगढ़ राजस्थान में खुला राजस्थान में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी के संरक्षण के लिए उन्नीस सौ बानवे क्या हुआ क्या तो बाघों के संरक्षण के लिए उन्नीस सौ बानवे में प्रोजेक्ट मगरमच्छ को बचाने के लिए उन्नीस सौ पचहत्तर हंगुल को बचाने के लिए जो कश्मीर का राजकीय पशु है उन्नीस और हिम तेंदुए को बचाने के लिए 2019 में हिम तेंदुआ दो हजार उन्नीस कश्मीर स्टैग 1970 मगरमच्छ उन्नीस हाथी उन्नीस और साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर उन्नीस प्रोजेक्ट टाइगर उन्नीस बिहार की बात करेंगे तो 22 मार्च उन्नीस बाईस मार्च उन्नीस अलग से राज्य बना 22 मार्च उन्नीस बिहार क्या हो जाता है साथी अपना अलग से राज्य बन जाता है बाकी इसमें और डीपली नहीं कर रहे क्योंकि हमने कई राज्य पढ़ लिए बिहार जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब हम लोग कर लेंगे ठीक है बच्चा किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर इन्होंने एक नई प्रकार की फिफ्थ जनरेशन मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया है सी ब्रेकर उसका नाम रखा गया 300 किलोमीटर तक मार करती है कितने किलोमीटर तक 300? और ऐसा लगता है जैसे कोई उड़ा जहाज हो एक पक्षी के जैसी यह मिसाइल जाती है तो इसराइल नाम के देश ने किस नाम के देश ने इसराइल नाम के देश ने यह सी ब्रेकर नाम की मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है सी ब्रेकर नाम की मिसाइल प्रणाली का अनावरण या इसको लॉन्च किया है किसने साथी इसराइल नाम के देश ने इसको बनाया किसने तो इसराइल के कंपनीय राफेल किसने बनाया है इसराइल के कंपनीय राफेल राफेल ने इसको बनाया है कितने किलोमीटर 300 किलोमीटर जमीन और पानी के जहाज दोनों से इसको छोड़ा जा सका जो छोड़ा जा सकता है इसराइल की बात करें बच्चा मेरे तो राजधानी जेरूसलम मुद्रा शेकेल राष्ट्रपति इसाक हरजोग अभी तो खैर रियुबिन रिवलिन है लेकिन रियुबिन रिवलिन जो है कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में इसाक हरजोग और वर्तमान में इनके प्रधानमंत्री कौन है नफताली बेनेट यह क्वेश्चन सौ परसेंट पूछा जाएगा कि साथी इज़राइल के नए प्रधानमंत्री कौन है तो इज़राइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन ये हायु को हटाकर कौन बने यह नेफ्टाली बेनेट बने कौन बने साथी नेफ्टाली बेनेट नेफ्टाली बेनेट ये इसराइल के नए प्रधानमंत्री के नए प्रधानमंत्री मुद्रा इजरायली शेकेल राजधानी जेरूसलम इसाक हरजोग यह यहां के नए राष्ट्रपति चलिए यह हो जाता है साथी इसराइल एक तरफ जॉर्डन नाम का देश जिसकी राजधानी हो जाती है अम्माम एक तरफ सीरिया जिसकी राजधानी हो जाती है दमिश्क डमास्कस जिसको बोलते एक तरफ लेबनान जिसकी राजधानी हो जाती है बैरूत लेबनान की राजधानी क्या हो जाती है बैरूत एक तरफ भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं एक तरफ मिस्र नाम का देश जिसकी राजधानी हो जाती है कायरों या काहिरा कायरो या काहिरा यह हो जाता है मिस्र नाम का देश यहां पर मृत सागर आधा जॉर्डन में और आधा इसराइल में मृत सागर यहां पे गैलीली सागर गैलिली सागर यह भी पेपर में पूछ सकता है गैलिली सागर जो इजराइल और सीरिया के बीच में है सीरिया की गोलन हाइट पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है यहां पर जेरूसलम जबकि इसका सबसे महत्वपूर्ण शहर यह तेल अवीव हो जाता है भूमध्य सागर से लगा हुआ भूमध्य सागर से लगा हुआ यह गाजा है यह क्या है गाजा पट्टी यह क्या है साथी गाजा पट्टी यह क्या हो जाता है गाजा पट्टी चले बच्चा आगे आ जाते हैं मिताली राज किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की मिताली राज पिछले 20 वर्षों से क्रिकेट खेल रही हैं 20 साल से 1982 में जन्म बीस साल से क्रिकेट खेल रही है दो में अर्जुन अवार्ड पावर भी मिला था 2003 में अर्जुन अवार्ड 2017 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो चार्लोट एडवर्ड ये इंग्लैंड की खिलाड़ी थी इनको पीछे छोड़कर चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़कर दस हजार से ज्यादा रन इनके हो गए एडवर्ड शार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़कर मिताली राज जोधपुर राजस्थान से हैं ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी अब देखो पुरुष में भी भारत के सचिन तेंदुलकर और महिलाओं में भारत की मिताली राज महिलाओं में भारत की मिताली राज राजस्थान से 2003 में अर्जुन अवार्ड 2003 में अर्जुन अवार्ड इनके दस के करीब रन हो गए तीन मैच में तीन मैच में जबकि चार्लोट एडवर्ड ये रिटायर हो चुकी हैं ये रिटायर हो चुकी हैं समझे मेरी बात चलिए इंग्लैंड की थी तो दो दस हजार तीन सौ सैंतीस के करीब इनके हो गए ओडीआई और टेस्ट की कप्तान भी है और टेस्ट की कप्तान भी है लेकिन टी ट्वेंटी से इन्होंने संन्यास ले लिया टी ट्वेंटी से संन्यास सात हजार ओडियाई रन बनाने वाली यह प्रथम महिला क्रिकेटर भी बनी थी बीस साल पूरा करने वाली भी प्रथम क्रिकेटर प्रथम इंटरनेशनल क्रिकेटर फर्स्ट वुमेन और साथ ही दो सौ मैच खेलने वाली भी ये ODI, 200 ये प्रथम मैच प्रथम महिला क्रिकेटर बनी थी छब्बीस जून उन्नीस सौ निन्यानवे डेब्यूट किया था अर्जुन अवार्ड दो हजार तीन में और दो हजार पंद्रह में पदमश्री दो हजार पंद्रह में क्या मिला है? मिताली राज को पदमश्री मिला है चलिए अगले पर आ जाते हैं भारतीय अमेरिकी को भारत में नया अमेरिकी दूत मेरी बात समझिएगा हर एक देश दूसरे देश में अपना दूत नियुक्त करता है तो अमेरिका ने भी भारत में इससे पहले थे कैनेथ जेस्टर उनके बाद में रिटायर होने के बाद में अतुल केशव को किसको अतुल केशव ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं है तो इनके पिताजी तो भारत के थे पंजाब पीसीएस में भी काम किया था लेकिन ये फिर अमेरिका जाके बस गए तो अतुल केशव ये अमेरिकी दूत नियुक्त हुए कहां पर भारत में तो भारतीय अमेरिकी को ही भारत में एक दूत नियुक्त किया गया है नाम क्या है अतुल केशव इससे पहले श्रीलंका और मालदीव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जबकि भारत के यूएसए में दूत है राजदूत कौन है तरनजीत सिंह संधू तरनजीत सिंह संधु तरनजीत सिंह संधु और अमेरिका के भारत में कौन है अतुल केशव एक और चीज याद रखिएगा एंटोनी ये एंटोनी ब्लिंन जो हैं अमेरिका के ये विदेश सचिव हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या जिनको विदेश मंत्री कहा जाता है वहां पर विदेश मंत्री की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है तो अतुल केशव को याद रखिएगा किसको अतुल केशव को जबकि अमेरिका इंडियन अमेरिका अमेरिकी आर्मी का पहला इंडियन अमेरिकन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर राज अय्यर और नासा मार्स 2020 का जो मिशन है उसको लीड करने वाली स्वाति मोहन ये भारतीय मूल की प्रेसिडेंट है किस स्थान पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह किस स्थान पर बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये किस स्थान पर साथी बनाया जा रहा है बिल्कुल सही बिल्कुल सही जयपुर में कहां पर साथी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह जयपुर में बनाया जा रहा है राजस्थान क्रिकेट स्टेडियम अकादमी इसको बना रही है 650 करोड़ रुपए की लागत से पिछहत्तर हजार दर्शक बैठेंगे और 100 एकड़ जमीन पर कितनी एकड़ जमीन पर 100 एकड़ जमीन पर सौ एकड़ जमीन पर विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात एक लाख बत्तीस हजार लोग दूसरा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और तीसरा ये अब जयपुर में तीसरा कहां पर बनेगा साथी जयपुर में बनेगा तीसरा कहां पर बनेगा जयपुर में बनेगा तो जयपुर के बारे में लिख लीजिएगा जयपुर सत्रह में सत्रह में सवाई राजा जयसिंह दो सवाई राजा जयसिंह दो के द्वारा सवाई राजा जयसिंह दो के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की जाती है और 2015 में यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया इसके जो आर्किटेक्ट थे इसके जो वास्तुकार थे इंजीनियर थे वो थे साथी विद्याधर भट्टाचार्य विद्याधर भट्टाचार्य विद्याधर भट्टाचार्य सवाई राजा जयसिंह दो ने आमेर का किला यहां का फेमस किला है आमेर का किला और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है जबकि 2019 में इसको जयपुर को विश्व विरासत शहर घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2019 में यूनेस्को विश्व विरासत शहर ऐसा बनने वाला पहला तो अहमदाबाद था और 2019 में जयपुर को 2019 में जयपुर को अगला क्वेश्चन किस खेल महासंघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है तो याद रखिएगा यह मान्यता खेल मंत्रालय देता है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किकबॉक्सिंग होती है इसमें हाथों से बॉक्सिंग ना होके किकबॉक्सिंग बॉक्सिंग वाको इंडिया किक बॉक्सिंग को राष्ट्रीय खेल के कि बॉक्सिंग फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिया है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन किसको वाको को वाको समझे मेरी बात किसने खेल मंत्रालय ने खेल मंत्री कौन है साथी खेल मंत्री हो जाते हमारे किरण रिजिजू खेल मंत्री किरण रिजिजू उन्नीस सौ तिरानवे में वाको इंडिया फेडरेशन का गठन हुआ मुख्यालय फरीदाबाद संतोष के अग्रवाल ये इसके अध्यक्ष हो जाते हैं संतोष के अग्रवाल ये क्या हो जाते साथी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं अगला भारतीय पहलवान को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया इनमें से किस भारतीय पहलवान को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है विनेश फोगाट सुमित मलिक बजरंग पूनिया और सोनम मलिक तो सुमित मलिक को दो साल के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ये रेसलिंग का महासंघ है अंतरराष्ट्रीय जिसको कहते हैं दो साल के लिए इन्होंने सुमित मलिक पर क्या लगा दिया है प्रतिबंध लगा दिया है इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक भी लाए थे 2018 में अर्जुन अवार्ड भी जीता है इन पर प्रतिबंध यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लुजान में हेडक्वार्टर उन्नीस सौ बारह में इसकी स्थापना हुई थी लुजान में हेडक्वार्टर उन्नीस सौ बारह में क्या हुई थी स्थापना हुई थी तो याद रखिएगा हरियाणा से सुमित मलिक आगे आ जाते हैं मीठे पानी का घोंगा एप्पल स्नेल किस राज्य में भारत का सबसे नया मीठे पानी का घोंगा मीठे पानी का घोंगा क्या होता है यह हाल ही में खोजा गया घोंगा नाम का एक स्नेल नाम का एक जानवर होता है यह पाया गया है तो याद रखिएगा एप्पल स्नेल एप्पल स्नेल यह मिजोरम में पाया गया है एप्पल स्नेल कहां पर पाया गया साथी तो आप कहोगे भैया एप्पल इसल जो है यह मिजोरम में पाया गया है जिसकी राजधानी आईजोल हो जाती है जिसकी राजधानी क्या, क्या हो जाती है जिसकी राजधानी क्या हो जाती है पिला मिजोरोमेंसिस लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर और शेल की हाइट है टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बर्सा 2500 मिलीमीटर mm से ज्यादा होनी चाहिए वहां पर ये पाए जाते हैं वहां पर साथ ही ये पाए जाते हैं समझ रहे हैं मेरी बात चलिए मिजोरम के बारे में भी मैं आपको ज्यादा नहीं लिखवा रहा लोकसभा की एक राज्यसभा की एक विधानसभा की चालीस सीट जोराम थंगा ये यहां के सीएम हो जाते और साथ ही राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई पी एस श्रीधरन पिल्लई इक्कीस जनवरी उन्नीस को इसको यूटी घोषित किया गया था मिजोरम को यूटी और 20 फरवरी उन्नीस इसको पूर्ण राज्य का दर्जा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया आइजोल इसकी राजधानी 11 जिले हो जाते हैं आइजोल इसकी राजधानी 11 हो जाते जिले साथी आगे आ जाते हैं पुलितर प्राइज फॉर हिस्ट्री 2021 का इतिहास के लिए पुलितर ये जो पुलजर प्राइजा थी ये पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिथजर प्राइज तो मार्सिया चैटलेन मार्सिया चैटलेन को दिया गया है फ्रेंच पुस्तक के लिए मार्स मार्सिया चैटलेन को दिया गया है फ्रेंच पुस्तक के लिए मार्सिया चैटलेन को दिया गया है फ्रेंचाइजी पुस्तक के लिए मार्सिया चैटलेन प्राइज हिस्ट्री का मार्सिया चैटेलेन फ्रेंचाइजी पुस्तक के लिए हिस्ट्री का पुलिथजर प्राइज आगे अमेरिका देता है इसको अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला पहली महिला कौन हो जाती है पहली महिला हो जाएंगी कल्पना चावला क्योंकि सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था भारत में जन्मी पहली कल्पना चावला और दूसरी हो जाएंगी श्रीशा बंदला दूसरी क्या हो जाएंगी श्रीशा बंदला रिचर्ड ब्रांसेन ये एक अरबपति आदमी है जिसका नाम है रिचर्ड ब्रांसेन। इसकी कंपनी है वर्जन गैलेक्टिक इनके साथ ये पांच व्यक्तियों में है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी श्रीशा बंदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला श्रीशाह बंदला आगे चाहते एस्टन मार्टिन ये एक गाड़ी की कंपनी होती है मार्टिन चीफ एंडी पाल्मर ये अशोक लीलैंड के वाइस चेयरमैन और सीईओ बने हैं अशोक लीलैंड एक भारत की ट्रक आदि बनाने की कंपनी है अशोक लीलैंड बहुत ज्यादा ये जो अपने समान धोने आदि वाले होते हैं इनको बनाती है अशोक लीलैंड सात सितंबर 1948 में स्थापना हुई थी सात सितंबर 1948 तो जो एनडी पार्लमर है इसके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और सीईओ बने कौन बने सीईओ हेडक्वार्टर हो जाता है चेन्नई हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी एस्टन मार्टिन के पूर्व चीफ एंडी पालमेर एंडी पालमेर मंड्रेम गांव ये एंटरटेनमेंट विलेज सबसे बड़ा टूरिज्म जो प्रोजेक्ट है वो गोवा के मेड्रेम गांव में आ रहा है कहां पर आ रहा है मेड्रेन गांव याद रखिएगा गोवा में भारत का पहला रेत का टीला पार्क भारत का पहला रेत का टीला पार्क यह गोवा में खोला जा रहा है हाल ही में गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया गोवा जल जीवन मिशन में जल जीवन मिशन टारगेट पूरा करने वाला भी पहला राज्य बना जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा करने वाला गोवा पहला राज्य बना जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा करने वाला गोवा पहला राज्य बना है आगे आ जाते हैं सप्रू हाउस इसको लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू ने और लिखी है टी सी राघवन विवेक मिश्रा सप्रू हाउस नाम की जो किताब है इसको टी सी राघवन और विवेक मिश्रा ने लिखा है टी सी ए राघवन और विवेक मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है नाम है सप्रू हाउस और इसको लॉन्च किसने किया है एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति लॉन्च किसने किया है एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं सप्रू हाउस राघवन और विवेक मिश्रा घाना भारत और घाना के बीच में विदेश मंत्रालय परामर्श जो विदेश विदेश मंत्रालयों के बीच में एक मीटिंग होती है यह घाना की राजधानी एकरा में हुआ है घाना की राजधानी एकरा और न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप और घाना एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में भारत ने घाना के साथ एमओयू, राजधानी हो जाती एक्रा। मुद्रा हो जाती है सीडी और नाना अड्डो ये घाना के राष्ट्रपति नाना अड्डो राष्ट्रपति मुद्रा सीडी और राजधानी क्या हो जाती है एकरा तो घाना के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में एक एमओयू किया है थोड़ा सा वन लाइनर है इतना इंपोर्ट, इंपोर्टेंट तो है इतना डीपली नहीं है इसमें सीआरपीएफ ने सीडेक के साथ जो सीआरपीएफ ये हमारे भारत की सबसे पुरानी इसका नाम बदल के सीआरपीएफ कर दिया गया था पहले उन्नीस में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम हुआ करता था सीडेक के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसके साथ सीआरपीएफ के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी में सीआरपीएफ के जो जवान है उनको ट्रेनिंग मिल सके सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग मिल सके तो याद रखेगा साथी इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं क्या किए इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उन्नीस में इसका नाम था सीआरपी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फिर उन्नीस से नाम हो गया सीआरपीएफ कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह क्या हो जाते डायरेक्टर जनरल तो सी 1988 उन्नीस पुणे इसी ने भारत का पहला परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया था सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है तो एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग कराने के लिए यह एमओयू किया है यह क्या किया है एमओयू किया है रमेश पोखरियाल निशंक निपुण भारत नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसके ऊपर निपुण मिशन नेशनल इनिशिएटिव नेशनल मिशन है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफियंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफियंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफियंसी इन रीडिंग कि रीडिंग में व्यक्ति प्रोफियंट हो सके रीडिंग में उसको बहुत अच्छे से पढ़ना आ सके और न्यूमेरिसी जो नंबर आदि है इसको व्यक्ति अच्छे से सीख सके ये भारत के शिक्षा मंत्री वातायन पुरस्कार इनविंसिबल गोल्ड मेडल उसके विजेता आगे आ जाते अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस तीन जुलाई दो को बारवा मनाया गया प्लास्टिक बैग फ्री प्लास्टिक बैग को त्यागो और किसको अपनाओ जो ये अपने कपड़े के बैग आदि होते हैं तीन जुलाई को सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 1923 में पहली बार इसकी इस बार की थीम है रिबिल्ड बेटर टुगेदर रिबिल्ड बेटर टुगेदर जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है इस बार तीन जुलाई को प्लास्टिक बैग फ्री दिवस भी और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 1923 में पहली बार रिबिल्ड बेटर टुगेदर रिबिल्ट बेटर टुगेदर चलिए यह कुछ है सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए अभी साढ़े सात बजे हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं अब सभी लोग यह पैंतालीस दिन का भी मेन्यू बेच है क्लास, सारा जी के तो मैं अपने हाथ से कवर करा दूंगा तुम्हें छह सौ निन्यानवे रुपए पर रैंक फिफ्टीन कोड लगा लेना तो ये तुरंत आपको सस्ता हो जाएगा इसके साथ एक किताब भी आपको फ्री आएगी तो ये फ्री का सही बैच है इस पैसों में बच्चा पचपन परसेंट हम लोग टैक्स दे देते हैं 18 परसेंट जीएसटी दो परसेंट चला जाता ये जो पेड पेमेंट गेट में होता है अठारह दो बीस परसेंट और अठारह दो बीस जाता था जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स 22 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स 22 परसेंट कितना हो गया बयालीस परसेंट तो मतलब इतना तो टैक्स ही जाता है तो ये कुछ भी नहीं है आप सभी लोग इसे जरूर लीजिएगा बच्चा मेरे एग्जाम ऑफिशियल पर जाकर इससे हमें बढ़िया चलने में मजबूती मिलती है बाकी बारह घंटे की क्लास एक बार सभी लोग हाथ उठा दो कि बारह घंटे की क्लास में कौन कौन साथ है कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे अंत के पांच क्वेश्चन पंद्रह के बाद में जो अंत के पांच क्वेश्चन है मैंने थोड़ी जल्दी कराई लेकिन ये पीडीएफ में एग्जाम एग्जाम्पुर ऑफिशियल ऐप पर डाल दूंगा जो अभिमन्यु वाले बैच के बच्चे हैं उनको शाम तक टाइप होके क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम पचास से सौ क्वेश्चन इसी के ऊपर विद आंसर तो आप लोग एक बार वहां से रिविजन कर लेना बाकी एक बार अगर आप थोड़ा सा पीडीएफ दोबारा देखोगे तो दोबारा से चीजें रिवाइज हो जाएंगी कि भाई किसके साथ एमओयू किया किसने किया क्या होते हैं बीस से पच्चीस क्वेश्चन होते हैं तो डेढ़ घंटे में थोड़ी सी कमी पड़ जाती है मैं कल से कोशिश करूंगा और थोड़ा कंसाइज क्योंकि राज्य पड़ोसी देश अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी बहुत सारी राजधानी करी जैसे हमने अपने ब्रिक्स देशों की करी घाना की करी ऐसे ही फ्रांस आदि की राजधानी के बारे में तो छोटी छोटी चीजें हमें पता चलती रहती है अब तुम अपना सिलेबस देखो और सिलेबस का एक एक पॉइंट मैंने टच किया है एक एक पॉइंट साथ में अभिमन्यु वाले बेच बच्चों को एक साल का करंट अफेयर टॉपिक वाइज सारी नियुक्ति सारे सूचकांक चर्चित देश राजधानी स्थल व्यक्ति वो सब कुछ भी आपको मिलेगा तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अपनी ये क्लास कुछ दिनों में ही तीन चार दिनों में एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी फिर यूट्यूब पर नहीं होंगी ज्यादा महंगा नहीं बच्चा, है बच्चा पांच सौ कुछ रुपए का तुरंत आप लोग ये अपना अभियन बैच लीजिए में धुएं उड़ाते हैं बाकी आप सभी लोग बने रहिएगा अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं धुआंधार तरीके से साढ़े सात बजे से हिस्ट्री राष्ट्र राष्ट्रवाद राज्य कांग्रेस की स्थापना से आज कांग्रेस का बंटाधार करेंगे लास्ट तक ठीक है बच्चा चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं थैंक यू धन्यवाद कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी मैं जानता हूं कि ये थोड़ी सी जल्दी है लेकिन गोल्डन आर्मी करंट अफेयर वाले चैनल पे मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा पीडीएफ में क्वेश्चन दे दूंगा और आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है बच्चा पीडीएफ में भी दे दूंगा टेलीग्राम पे भी अपने गोल्डन आर्मी वाले पे वो रिवीजन कराना मेरी जिम्मेदारी बाकी जो छोटी छोटी चीज बताया हूं ये ये जिम्मेदारी याद करने की याद हो जाएगा इतना मैं जानता हूं चलिए फिर एक बार मुस्कुराइए जोर से और बोलिए खेला जय जे भारत जय एग्जामपुर करविजे एग्जांपल